कृषि बिल को लेकर कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। तो वहीं नीलकांत बख्शी ने कहा कांग्रेस ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। पत्नी को बेरहमी से पीटने वाले आईपीएस अधिकारी पर गिरीगाज प्रशासन ने पुरुषोत्तम शर्मा को किया कार्यमुक्त। पत्नी ने दूसरी लड़की के साथ पति को पकड़ा था रंगे हाथ। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसाकर किया अपहरण। बदमाशों ने परिवार से मांगी 10 लाख की फिरौती। हरकत में आई पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। संसद से कृषि विधेयक के पास होने से लेकर राष्ट्रपति के बिल को पास करने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। सोमवार को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला। तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सुबह जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इंडिया गेट के बाहर ट्रैक्टर जलाया गया है उसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब किसानों का आंदोलन गांवों और छोटे शहरों से निकलकर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है। सोमवार सुबह किसानों ने इंडिया गेट के पास कृषि बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। इससे ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। इंडिया गेट पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है वो निंदनीय है। आज कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है वो निंदनीय है। और कांग्रेस दोगली नीति अपनाती है। जब चुनाव में गए थे तो उनके मैनिफेस्टो में यही वचन थे जिसका निर्णय अभी सरकार ने किया। जो बिल पास हुए वही तो बिल पास करने की बात उन्होंने कही थी। वहीं दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नीलकांत बख्शी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति भवन के सामने ट्रक पर लाए कबाड़ ट्रैक्टर को जलाकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। जो आज सुबह कांग्रेस ने किया वो बहुत निंदनीय है। कल ही देश के राष्ट्रपति महामहिम जी ने कृषि के तीनों बिलों पे मोहर लगा के उसे कानून बना के पारित किया और आज राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट राजपथ पर कांग्रेस वालों ने एक ट्रैक्टर जिसको ट्रक में लादा गया लाया गया चलाया गया आगजनी की भ्रम फैलाने के लिए ताकि पूरे देश में दंगे फैल सकें, पूरे देश में भ्रम फैलाया जा सके कि किसान इस बिल के विरोध में है। राष्ट्रपति जी के द्वारा पारित किया गया कल का बिल और आज राष्ट्रपति भवन के सामने इस तरह ट्रैक्टर को आग लगाना ये कांग्रेस की देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। चाहे चीन की सेना हो चाहे सोनिया सेना हो, मैं सबको ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये संदेश देना चाहता हूँ। यू ना चाल बे, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कोई किसान दुखी नहीं है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दी। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है जिसके बाद अब किसान और उग्र हो गए हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है प्रदेश में सियासत गर्माती ही जा रही है। तेजस्वी यादव हमेशा से ही नीतीश कुमार को रोजगार को लेकर घेरते आए हैं तो अब जैसे ही तारीखों का ऐलान हो चुका है तो तेजस्वी यादव ने धमाकेदार ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनावी तैयारियों के साथ अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। कोई भी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी वादों का पिटारा लेकर लोगों के सामने पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने जहां सत्ता में लौटने के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत काम करने का वादा किया और युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत युवाओं को नौकरी मिल सके इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का वादा किया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए वादा किया कि अगर बिहार के लोग उनकी पार्टी को मौका देते हैं तब सरकार बनने के 2 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से
ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। साफ है कि दोनों पार्टियों की नजर बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करने की है। के हाथों में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। वो लोग घर की चार दीवारी के पीछे कैसे कानून का गला घोटते हैं, इसका सबूत एक वायरल वीडियो है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी अपनी बीवी के साथ किस तरह से मारपीट करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और क्या है पूरा मामला। महिला सशक्तिकरण के युग में मध्य प्रदेश से जो वीडियो वायरल हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। आईपीएस रैंक के अधिकारी द्वारा अपनी बीवी के साथ जो बर्बरता की जा रही है वो बेहद गलत है। मारपीट वाले वीडियो में उक्त अफसर बेरहमी से पत्नी को पकड़कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दो अर्दलीय भी वीडियो में महिला को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो बेहद ही नियोजित तरीके से बनाया लगता है। करीब 4.5 मिनट के वीडियो में आईपीएस अधिकारी पत्नी को कई बार बेरहमी से मारते और अपशब्द का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीजे शर्मा के कथित अफेयर को लेकर घर में विवाद चल रहा था, तभी उन्होंने पत्नी पर जानलेवा हमला बोल दिया। तभी डीजे पुरुषोत्तम किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए। बहस ने ऐसा रूप लिया कि डीजे साहब अपना आपा खो बैठे। घर पर मौजूद स्टाफ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत आने पर करेंगे कार्रवाई। देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूं, कुछ शिकायत अगर लिखित में आती है तो बता। बहरहाल मध्य प्रदेश में डीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा पर कार्रवाई हो गई है। पुरुषोत्तम शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। सरकार के गृह विभाग की ओर से इस आदेश की कॉपी भी जारी कर दी गई है। इस आदेश में साफ लिखा है कि पुरुषोत्तम शर्मा को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाता है। हम एक वैज्ञानिक इंटरनेट पर विज्ञापन देखकर हनी ट्रैप पे फंस गया। दरअसल वैज्ञानिक इंटरनेट पर एक मसाज पार्लर ढूंढ रहा था, उसके बाद वो एक होटल में गया जहां पर उस महिला के साथ 10 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उनको बंधक बना लिया, जिसके बाद उनके परिवार से 10 लाख के फिरौती की भी मांग की। जानिए क्या है पूरा। नोएडा में डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसा कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया वैज्ञानिक अजय प्रताप ने मसाज के लिए इंटरनेट पर सर्च किया और एक नंबर पर कॉल करके अजय इन लोगों के जाल में फंस गया। पुलिस ने बताया कि नोएडा में काफी समय से ऐसे गैंग सक्रिय हैं और पुलिस वक्त वक्त पर ऐसे कई गैंग्स का भांडा फोड़ करती है। पुलिस ने बताया कैसे ये लोगों को विज्ञापन देकर अपने झांसे में फंसाते थे। एनसीआर में काफी ऐसे गैंग हैं जो हनी ट्रैप से लोगों के साथ किडनैप भी करते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं और ऐसे भी लूटपाट करके वहाँ से भाग जाते हैं। और पहले भी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से 2-3 गैंग इस तरह के पकड़ के जेल भेजे जा चुके हैं। आप सभी लोग उसके बारे में अवेयर हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो सोनू पंजाबन गैंग के मेंबर्स को भी हम लोगों ने जेल भेजा, सेक्टर 39 से भी हम लोगों ने एक गैंग को जेल भेजा। तो इस तरीके से ये सारे गैंग इधर एक्टिव हैं और जो ये गैंग हम लोगों ने अभी पकड़ा है ये उसी तरह का एक गैंग है जो पहले लोगों को अपने नंबर्स फ्लोट करके बुलाता है और बुला करके फिर उसको उस जगह पर ले जाता है और जब वो आदमी इनके ट्रैप में इनके कब्जे में आ जाता है तो उसे रैंसम की डिमांड करते हैं। इन लोगों के बातचीत करने के बाद और जो एविडेंस हमको वहाँ मौके पर मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने 3-4 लोगों के साथ पहले भी इस तरह की वारदात की है और अभी हम लोग और भी इनका इतिहास खंगाल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अजय फोन पर बात करने के बाद सेक्टर 41 स्थित एक होटल में पहुंचा, जहां एक महिला समेत कई अन्य लोग पहले से मौजूद थे। उन सब ने मिलकर उसे बंधक बना लिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनमें एक महिला भी शामिल है। उसके पास से पुलिस ने 2-2 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। आई कार्ड्स में मैं बताना चाहूंगा कि इंक्लूडिंग 2 पैन कार्ड्स, किसी एक व्यक्ति का 2 पैन कार्ड नहीं हो सकता। उस महिला के पास 2 पैन कार्ड बरामद हुए और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की अपने आप को मेंबर बताती है, नोएडा की, यूपी की अध्यक्ष बताती है। उसमें कुछ सारे के सारे जो हम लोगों ने प्रथम दृष्टया देखा है वो सारे फेक लग रहे हैं और सबका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए, अपराध के लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि यूज़ किया जा रहा होगा।
अब तक कुछ ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन ऐसा सच अभी हम लोग के सामने नहीं आया है, बट हम लोग अभी भी हमारे उनके बहुत सारे प्रोफाइल्स, बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस गैंग के फरार बदमाशों की तलाश कर रही है और नोएडा के अलावा ये कहां कहां सक्रिय है इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए दिल्ली जिला प्रशासन ने जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत दिल्ली जिला प्रशासन की टीम सड़कों पर यमराज और चित्रगुप्त के भेष में लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दे रही है। देखें पूरी दिल्ली की सड़कों पर यदि आप बिना मास्क के घूम रहे हैं तो अब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सड़क के किसी मोड़ पर या फिर चौराहे पर आपकी मुलाकात चित्रगुप्त और यमराज से हो जाए, क्योंकि कोरोना काल के बीच दिल्ली की सड़कों पर चित्रगुप्त और यमराज घूम रहे हैं जो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान तमाम शासन से लेकर प्रशासन तक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं कि सभी कायदे कानून को ताक पर रखकर नियमों की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर नई दिल्ली जिला प्रशासन ने एक नया रास्ता इख्तियार किया है जिसमें प्रशासन के ही कुछ अधिकारी चित्रगुप्त और यमराज के भेष में सड़क पर घूम रहे हैं। ये चित्रगुप्त और यमराज कोरोना के मद्देनजर न केवल लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं बल्कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके चालान भी काट रहे हैं। साथ ही इन लोगों को निशुल्क मास्क भी बांट रहे हैं ताकि आगे से ये लोग बिना मास्क के न घूमे। देखिए कोविड की डिसीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, दिल्ली में दोबारा से केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं। लोगों में जागरूकता तो है लेकिन वो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको पता है मास्क लगाना है लेकिन लगा नहीं रहे। कोई या तो कान पे टांग के रखता है या फिर यहाँ पे चिन के नीचे लटका के रखता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यमराज और चित्रगुप्त के माध्यम से लोगों को एक तो अवेयर कर रहे हैं कि आपको मास्क जो है वो ढंग से पहनना है, आपकी नोज और आपका माउथ दोनों प्रॉपरली कवर होनी चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी या आप सड़क पे टोबैको खा रहे हैं, थूक रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे यमराज और चित्रगुप्त जाते हैं, लोगों को कैच करते हैं और उनका चालान काटते हैं। बहरहाल राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। दूसरी ओर दिल्लीवासी भी अब इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने इस सोच के साथ लोगों को जागरूक करने का काम किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.